शांभवी और रघुराम महादेवपुर गांव का जाना माना जोड़ा था। उनका एक बेटा था किरण। किरण बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री करते हुए गांव में जैविक खेती कर रहा था। माता पिता को उसकी शादी की चिंता थी। शादी के प्रस्ताव को किरण हर बार बहाने बनाकर टाल देता था। इस तरह 2 साल गुजर गए। इस बार शांभवी अटल थी, किसी भी तरह बेटे को ब्याह कर मनचाही बहू घर लाना चाहती थी। अब हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसके सारे दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। न जाने क्यों हमारा किरण शादी के नाम से ही कतराता है, समझ नहीं आता। हाँ शांभवी, लगता है हमें उसे किसी को दिखाना चाहिए। किसको दिखाएंगे और उसको हुआ क्या है कि कहीं दिखाएं? तुम हमेशा पंडित जी की बात करते रहते हो, कभी ये क्यों नहीं कहते कि तुम उनसे बात करके उसे शादी के लिए मनाओगे? इस बीच बातों ही बातों में किरण खेत से घर आता है और उसकी शादी के लिए कुछ ऐसा कहता है। माँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। वो क्या खुशखबरी है बेटा? उस सफेद गाय या भैंस के बच्चे होने की खबर है, या फिर 2 बंदरों की या पंछियों की शादी की खुशखबरी है? क्या बात है, बोलो। माँ, मुझे शादी करनी है, लड़की ढूंढो मेरे लिए। लड़की की शादी की इच्छा जानकर शांभवी और रघुराम बहुत खुश हुए। शांभवी तो खुशी से झूम उठी। तुरंत पंडित को बुलाया गया। पंडित सौंदर्या उसी गांव में रहते थे। फोन के बजने पर पंडित जी ने फोन उठाया। नमस्कार माता जी, बड़े दिनों बाद याद किया। अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो बता दीजिए, मैं तुरंत उस पर लग जाता हूँ। बताइए बताइए। हमारे बेटे के लायक लड़की हो तो बता दीजिएगा जरा। देखना पड़ेगा आपको कैसी बहू चाहिए, बताइए। लड़की पढ़ी लिखी होनी जरूरी नहीं, अच्छे दिल की हो और बड़ों का आदर करे, यही बहुत है। ऐसी लड़की ढूंढिएगा, पैसे का लालच नहीं है हमें। लड़की सुशील हो और हमारी बात सुने तो बहुत है। समझ गए ना आप, कैसी लड़की चाहिए? समझ गया। एक बात मैं कहूं तो आपको ऐसी बहू चाहिए जो आपकी सुने। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही पंडित जी, मैं तो आपकी पसंद का रिश्ता ढूंढ के ही मिलूंगा। ठीक है पंडित जी, फिर मिलेंगे आपसे। शांभवी बहुत खुश होती है और आसपास पड़ोस में अपने बेटे की शादी की बात करती है। सौंदर्या अपनी स्कूटी पर सवार होकर पड़ोस के गांव के एक छोटे से किसान सुब्बैया के घर जाता है। पंडित जी को देखकर सुब्बैया उनका हालचाल पूछता है। सुब्बैया, क्या तुमने पड़ोस के गांव की शांभवी जी का नाम सुना है? वे अपने बेटे की शादी करना चाहती है। लड़की ढूंढने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है, अगर तुम कहो तो तुम्हारी बेटी की बात करूं, लड़की देखने के लिए बुलाऊं। हाँ पंडित जी, मैंने शांभवी जी का नाम सुना है, बड़े घर के लगते हैं। मैं तो साधारण किसान हूँ, उन्हें दहेज और सामान नहीं दे पाऊंगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, लड़के ने कह दिया है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बहुत अमीर है, दहेज का क्या करेंगे। वनजा ने जब ये बात सुनी तो उसको ये रिश्ता बहुत पसंद आया। उसको रिश्ता मंजूर था, लेकिन सबके सामने कुछ ना कह पाई। मन ही मन सोचने लगी, शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। कहते हैं शादी सिर्फ लड़के से नहीं होती, मेरे बेटी के ब्याह कर ससुराल जाने के बाद सास दहेज न लाने पर ताना कसेगी तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं खामोश थोड़ी न रहूंगी, अपने कराटे किक्सन को चुप करवा दूंगी। हाँ बाबा, लगता है लड़की को रिश्ता बहुत पसंद आया, तो मैं क्या उन्हें लड़की देखने बुला लूं? लगता है रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। सुब्बैया हाँ करता है। उनके घर से निकलते ही पंडित शांभवी को फोन करता है और रिश्ते की बात करता है। शांभवी लड़की देखने के लिए हाँ कर देती है। सुब्बैया जी, वो कल तुम्हारे घर लड़की देखने आ रहे हैं। एक काम कीजिएगा, लड़की को साड़ी ही पहनने दीजिएगा। शांभवी जी को बस एक बार पसंद आ जानी चाहिए लड़की, बस मजे ही मजे। लेकिन मेरी शादी सास से हो रही है या लड़के से? बेहुदा मजाक मत किया करो लड़की। ये बात कहकर पंडित जी चले जाते हैं। अगले दिन शांभवी अपने पति और बेटे को लेकर लड़की देखने आती है। किरण अलग एक सोफे पर बैठता है। वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं। वनजा किरण को देखने के लिए बहुत उत्सुक होती है और दरवाजे से झांक कर देखने की कोशिश करती है। किरण भी वनजा को देखता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वनजा को सभी सदस्य देखते हैं
और पसंद करते हैं। शांभवी वनजा को घर के कामकाज के बारे में पूछती है। वनजा सभी प्रश्नों का फट से जवाब देती है। तुरंत ही शादी का बाजा बज जाता है और किरण और वनजा की शादी हो जाती है। शांभवी अपनी नई बहू को घर का सारा काम समझाती है, नाश्ते से लेकर सभी रीति रिवाज और काम धाम। बहू के कर्तव्य को भी समझाती है। शांभवी सब कुछ सुनकर समझ लेती है, लेकिन सोचती है कि अगर उसने अपनी बहू का बेटी की तरह ख्याल रखा तो वो शायद उसकी इज्जत नहीं करे। इसीलिए शांभवी हर दिन बहू पर अपना रौब जमाने में लगी रहती है। एक दिन वनजा सुबह सुबह उठकर घर का सारा कामकाज करके रंगोली बनाती है और फिर उसके बाद नहा धोकर पूजा भी करती है, घर में धूप चढ़ाती है। ये देखकर शांभवी चौंक जाती है और कहती है, हे भगवान, नई बहू घर को जला डालेगी, बचाओ बचाओ, कोई है? बेटा किरण, तुम कहां हो? बाहर आओ, सारा घर धुआं में पड़ा है, घर जल रहा है। घर के बीचों बीच खड़ी होकर शांभवी चिल्लाती है। शांभवी की बातें सुनकर सभी डर जाते हैं और भागकर हॉल में आते हैं। हाय बहुरी, जन्म चली, क्या तू मेरे घर को आग लगाना चाहती है? बुलाओ अपने लोगों को, मुझे उनसे पूछना है कि क्या उन्होंने तुम्हें ससुराल जाकर यही करना सिखाया है? घर सवारने से पहले ही जला कर रख देगी क्या? मेरी प्रिय सासू जी, क्या आपको समझ में नहीं आया? ये धूप है, सिर से नहाने के बाद मैंने बालों में और घर में सामरानी चढ़ाई है, ये वही प्रार्थना है, अब फिक्र मत कीजिए। हाँ माँ, वंजा ठीक कह रही है, ये तो सामरानी का धुआ है। हाँ शांभवी, ये सामरानी ही तो है। शांभवी मन ही मन में, अरे मैं सामरानी से इतना क्यों डर गई? पर अगर मैं कह दूं कि गलती हो गई है तो नई बहू मुझे क्या समझेगी? समझेगी कि सास को आग के धुए का और धूप के धुए का फर्क भी नहीं पता। मैं कह देती हूँ कि मैंने ऐसे ही बहू की परीक्षा ली थी ताकि मैं जान सकूं कि बहू सतर्क है या नहीं। सभी लोग शांभवी को हैरान होकर देखते होते हैं, उन्हें शांभवी की चुप्पी पर ताज्जुब होता है। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये तो मेरी परीक्षा थी, मैंने नई बहू की सतर्कता को परखा। ये कहकर शांभवी वहां से खिसक जाती है। इस तरह शांभवी हमेशा अपनी बहू को कुछ न कुछ कहती ही रहती और हमेशा उस पर गलत लांछन लगाती रहती ताकि उसकी बहू पर से पकड़ न जाए। वनजा को भी समझ में आने लगा था कि सास उस पर जानबूझकर इल्जाम लगाती है, लेकिन वनजा अपना धीरज कायम रखती है। एक दिन वनजा और शांभवी खरीदारी करके बाजार से घर की ओर चल पड़े। इतने में एक चोर शांभवी का हैंडबैग चुराकर भागने लगता है। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, अरे पैसे और गहने लेकर भाग रहा है। ये देखकर बहू वनजा बिजली की तरह भागी और चोर पर टूट पड़ी। चोर को जकड़कर अपनी सास के पास लेकर आई। चोर अपने बचाव में वनजा को मुट्ठी से मारने की कोशिश करता है, पर वनजा उसे देख लेती है और उसकी हड्डी पसली तोड़ देती है। शांभवी बहू की क्षमता देखकर चौंक जाती है। चोर अपने हाथ जोड़ता है और पूछता है, मैडम आप क्या खाती हो? बोलो ना। मैं एक कराटे बहू हूं, मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट लिया है। ये कहते हुए वनजा अपने पैर उठाकर चोर के पेट में दो चार किक्स मारती है। मार खाकर चोर नीचे गिर जाता है। शांभवी और वनजा एक दूसरे को संभालती हैं। शांभवी मन ही मन, हे भगवान, मुझे इस कराटे बहू से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। बैग वापस लेकर दोनों घर की ओर बढ़ जाती हैं। यह सुब्रमण्यपुर गांव है। इस गांव में तिलक और रमा देवी नाम के एक दंपति रहते हैं जो अपने खर्चे के लिए पत्तेदार सब्जियां बेचते हैं। उनका एक इकलौता बेटा प्रसाद है जिसकी संध्या से शादी होने के बाद वो शहर में जाकर रहने की योजना बना रहा है। माँ हम चलेंगे, शहर जाने के बाद मैं आपको वहां का पता पूरी तरह से बता दूंगा। ठीक है बेटा, यदि तुमको छुट्टी मिलती है तो तुरंत घर आ जाना। हाँ माँ मैं जरूर आऊंगा, क्या तुमको ये कहने की जरूरत है? तुम अपना ख्याल रखना बस। माँ जी हम जाएंगे, पिताजी हम चलते हैं। उन्होंने उनके लिए शुरुआत के लिए पैसे दिए। 5-6 घंटे के बाद वे शहर पहुंचे। उन्होंने किराए पर एक कमरा ले लिया
और सभी जरूरत की चीजों का इंतजाम किया। संध्या और प्रसाद ने काम की तलाश की और हार गए, उन्हें कोई काम नहीं मिला। इससे पति पत्नी दोनों निराश थे। संध्या, हम गांव वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता, और हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हम कब तक यहाँ रहेंगे संध्या? हमारा साथ लाया पैसा खत्म हो गया है, हमें कुछ और पैसे चाहिए, लेकिन हम माता पिता से नहीं मांगेंगे। मुझे कुछ समय दो, मैं सोचती हूँ। संध्या गहराई से समस्या का हल सोच रही थी। कुछ काम पाने के लिए वो रास्ते में सभी से पूछ रही थी कि कोई काम मिल जाए। कुछ लोग चिढ़ गए और कुछ ने बताया कि कोई काम नहीं मिल सकता है, और कुछ लोगों ने उसे एक सप्ताह या 10 दिनों के बाद आने को कहा, तब वे काम बताने की कह गए। दिन बीत रहे थे। हमने गांव से आते समय कहा था कि हम शहर में ही रहेंगे, लेकिन अब हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर हम नाकाम होकर गांव वापस जाते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमें चिढ़ाएंगे। इस तरह वो खुद से बात कर रही थी और जा रही थी। दूसरी तरफ से एक आदमी अपनी बाइक को धक्का देता हुआ आ रहा था, और एक और व्यक्ति पंचर की दुकान खोज रहा था। कार में से एक व्यक्ति नीचे उतर गया और संध्या से पूछा, सुनिए मैडम, क्या यहाँ कोई पंचर की दुकान है? नहीं सर, यहाँ आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं है। आप चाहें तो 2-3 दिन बाद आइए। बहुत जरूरी है मैडम, यहाँ एक पंचर की दुकान शुरू की जा सकती है ना, कई ग्राहक मिलेंगे, हमेशा लाइन लगा करेगी। उसने ऐसा कहा और वहां से चला गया। उसके कहे शब्द संध्या के दिमाग में घूम रहे थे। संध्या ने सोचा कि अगर वो इस इलाके में एक पंक्चर की दुकान शुरू करे तो अच्छा रहेगा। उसने अपने पति प्रसाद को बताया। उसने इसके लिए हाँ कह दी। उसने अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर पैसे लिए, उस पैसे को लाई और एक पंक्चर की दुकान शुरू की। ग्राहक उसकी पंक्चर की दुकान पर आने भी लगे। प्रसाद और संध्या दोनों पंक्चर की दुकान में पंक्चर बनाने लगे। जैसे दिन बीते पंक्चर की दुकान अच्छी चलने लगी, वे अच्छा पैसा कमा रहे थे। उधर गांव में तिलक को अचानक तेज बुखार हो गया, वो प्रसाद और संध्या को देखना चाहता था। दोनों गांव गए। अब कैसे हैं पिताजी, क्या आपका बुखार कम हुआ? मैंने तुम दोनों को देख लिया ना, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तुम शहर में क्या काम कर रहे हो? वो पिताजी, हमने अपनी पंक्चर की दुकान शुरू की है। जब वो बताने ही वाला था तो संध्या बीच में, पिताजी अब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर हूँ, और आपका बेटा एक अचल संपत्ति कार्यालय में एक साइट सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है पिताजी। तिलक उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। संध्या ने उन समस्याओं को नहीं समझा जो वो अपने उस छोटे से झूठ की वजह से झेलने वाली थी। फिर वे 2-3 दिन वहां रहे और तिलक की देखभाल की। उसके बाद संध्या को पंक्चर की दुकान के लिए कॉल आने लग गए। कुछ दिनों बाद तिलक की तबीयत ठीक हो गई और तिलक और रमा देवी अपना अपना काम करने लगे। तब संध्या और प्रसाद वापस शहर लौट गए। एक दिन गांव से सास रमा देवी बिना बुलावे के 3 अन्य महिलाओं के साथ शहर देखने आती है। मैं इसे एक बड़ी बात कहकर नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे और बहू बड़े अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। अगर हम जिस घर में रह रहे हैं वहां जाएंगे तो देखना वे कैसे चौंक जाएंगे। वे एक बड़े अपार्टमेंट में गई और सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यहाँ संध्या और वर प्रसाद नाम का युगल रहता है ना? कोई भी ऐसे नामों के साथ यहाँ नहीं रहता, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। जैसे कि उस सुरक्षा गार्ड ने कहा, उसे लगा जैसे कि उसकी गरिमा उसके साथ आई अन्य महिलाओं के सामने खराब हो गई है। फिर वे दूसरे अपार्टमेंट में गए और वहां पूछा। वहां भी उन्होंने बताया कि उस नाम का कोई नहीं रहता है। रमा देवी उसके साथ आई महिलाओं के सामने निराश हो गई। इस तरह कोई नहीं मिलेगा, मैं अपनी बहू को कॉल लगाती हूँ। रमा देवी अपना फोन लेती है। उनके ठीक सामने एक पंक्चर की दुकान थी और उसकी बहू उस दुकान में पंक्चर बना रही थी, और बेटा प्रसाद वाहन को हवा दे रहा था।
ये देखकर रमा देवी के साथ आई तीन महिलाएं जोर से हंस पड़ी। रमा देवी संध्या के फोन उठाने का इंतजार करती है। संध्या जो की दुकान में है, फोन की घंटी बजने पर कॉल रिसीव करती है। बताओ अम्मा, क्या हाल है? पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? बहू, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ माँ जी। मुझे अपने ऑफिस का पता बताओ, मैं वहां आऊंगी। माँ जी, क्या आप शहर आई हैं? कैसे आई? मैं कहाँ आऊं, बताओ जल्दी। माँ जी, आप यहाँ नहीं आ पाएंगी, यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह से पूरा रास्ता रुका पड़ा है। मैं ही आती हूँ। मैं वहां क्यों नहीं आ सकती? आऊंगी मैं, बताओ। वो माँ जी, मुझे यहाँ का पता ठीक से पता नहीं है। मैं बताती हूँ, पंक्चर शॉप है ना बहू? उन शब्दों को सुनकर पंक्चर शॉप से बहू इधर उधर देखती है। उसने अपनी सास और सास की सहेलियों को देखा। बस फिर क्या था, पंक्चर बहू वहां से भाग गई। ये देखकर वे सभी जोर से हंस पड़ी।